अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। व्यूअर्स, आज डेट है 1 दिसंबर सन 2023 और आज देखें पूरे एक महीने बाद काम स्टार्ट हुआ है और आज कलर चला है हरा रेशम। ये देखें हरा कलर है, साइज़ मिला है 2 इंची और ये माल जो है हम 2 बंदों का है। 100 तोड़े मेरे हैं और 93 तोड़े राणा साहब के हैं, सगीर भाई के। उनकी गाड़ी ख़राब थी तो मेरी गाड़ी में उन्होंने रख लिया। अब ये देखें गैस प्राइस जो है डबल, मैंने आपको बताया था डबल इजाफा हुआ है, डबल से भी ज़्यादा। इस वजह से पूरे एक महीने तक काम बंद रहा है और इस वक्त ये 450 इस कंडीशन में 450 रुपये क्रॉस कर चुका है। इतना महंगा हो गया है माल। चलें आपको आगे जुड़ाई वगैरह दिखाते हैं और हम बाकी का काम करते हैं। आप आगे की वीडियो देखिए। ये देखें व्यूअर्स, ये काम हमारा स्टार्ट हो चुका है और ग्रीन कलर की चूड़ियों से काम स्टार्ट हुआ है पूरे एक महीने बाद। आपको अभी गाड़ी में मैंने दिखाई है रखी हुई। ये माल इस तरह रखा होता है साइज़ वाइज, जैसे कि ये 2 पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये 2 पट्टियाँ हैं 225 की। अच्छा, ये फिर ये वाली 2 पट्टियाँ, ये 825 की और वो 2 इंची। 3 साइज़ रेगुलर होते हैं, ये रेगुलर चलते हैं। अच्छा, 1.5 पादो यानी 2.5 इंची और 14 इंच ये अलग से तैयार किया जाता है, जब भी चलाना हो तो फिर ये अलग से ही चलता है। ये देखें ये एक बेलन हो गया यानी कि एक सेटिंग, और ये हो गया दूसरा बेलन। हमारे यहाँ 2 बेलन है, सब फैक्ट्रियों में 2 बेलन कर दिए गए हैं गैस की वजह से। ये इस बेलन का 2 इंची है और वो रखा 225 और 825। ये देखें आगे दीवार के साथ 2 लाइनें, ये 225 की हैं और ये 825 की है। दिखाते हैं आपको हरे की भट्टी। ये देखें व्यूअर्स, ये ग्रीन की फर्निस है यानी भट्टी है ग्रीन कांच की। अभी गैस जो है गया है लोड शेडिंग की वजह से, हफ्ते का दिन है, हफ्ता इतवार गैस बंद होती है इसलिए गैस नहीं चल रही इसमें। ये देखें ये हर कलर की भट्टियाँ हैं। वो सबसे पहले जो भट्टी है वो वाइट कांच की है वाटर कलर की, बाकी ये कलर वाइज हैं। अभी ग्रीन कांच की चल, ग्रीन माल बन रहा है तो ये ग्रीन कांच की स्टार्ट है। ये वाली भट्टी ग्रीन की है, काम बंद है क्योंकि काम लगता है रात में और आज तो वैसे भी गैस नहीं है लोड शेडिंग की वजह से, तो इसलिए देखें फैक्ट्री खाली है। और ये देखें जो हम बेलन बेलन कहते हैं, ये बेलन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पर चूड़ी लिपट कर बनाई जाती है, ये बेलन है रूलर। ये देख रहे हैं मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता भी, ये गर्म बहुत है। यहाँ पर चूड़ी तैयार की जाती है, देख रहे हैं ये स्क्रैप चूड़ियाँ आपको पड़ी नज़र आ रही हैं। जो स्क्रैप माल होता है वो वहीं तोड़ दिया जाता है, यहीं तोड़ दिया जाता है इसको। ये देखें ये ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ उठा के। ये देखें ये ख़राब चूड़ियाँ हैं, इसकी खराबी क्या है ये देखो, देखें आप अंदर से। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है ना कांच ख़राब, ये आपके हाथ पे लगेगा हाथ को काट देगा, इसलिए इसको यहीं हटा दिया। ये ख़राब चूड़ियाँ, ये सारा माल ख़राब है। 8 घंटे काम चलता है, 8 घंटे में जितनी चूड़ियाँ ख़राब होती हैं वो नहीं तोड़ते रहते हैं, तो ऐसे ही ढेर लग जाता है। ये देखें ये बेलन के अंदर भी सारी ख़राब तोड़ी हैं। अब इसको साफ़ करेंगे झाड़ू वगैरह से, इस सारा जो माल है स्क्रैप में डाल देंगे, स्क्रैप कांच में। ठीक है, ये बेलन है और ये साइज़ वाइज लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साइज़ क्या क्या होता है, चलें वो देखें। ये देखें ये होता है रूलर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये 8 पदों का है और ये 2 इंची है, जो अभी मैंने दिखाया वो 225 यानी कि ये वाला था, ये सबसे नीचे ये भाग, ये बड़ा साइज। ये देखें और ये ऊपर जो लगे हैं ये 55 के, ये 4 आनी का रूलर है, इस्तेमाल में नहीं है इसलिए मिट्टी हो रही लग रही है। बाकी 12 आनी 10 आनी 8 आनी ये देखें ये रेगुलर चलते हैं जो साफ़ हैं। एक भट्टी में मैंने लगा दिखाया और 2 ये स्टैंड पर रखे हैं, ये रेगुलर चलते हैं इसलिए रखें कितने साफ़ हैं। वो कम चलते हैं, सबसे नीचे 2.5 इंची का लगाएँ। ये है इसके रूलर,
और ये देखें ये दूसरा बेलन, अभी मैंने आपको एक बेलन दिखाया, ये दूसरा बेलन, हम इसे बेलन कहते हैं अपनी ज़बान में। ये देखें यहाँ भी स्क्रैप पड़ा, ये सारा साफ होगा और वापस इसको स्क्रैप कांच में डाल दिया जाएगा, फिर भट्टी में दोबारा पिघला के दोबारा चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। ये देखें ये सवा दो का बेलन रखा, इसमें गर्म बहुत है, अभी बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी गर्माइश आ रही है, क्योंकि काम रात को चला था, अब बंद हो गया है दो दिन के लिए, हफ्ता इतवार गैस की लोड शेडिंग है। यहाँ पर एक कारीगर बैठता है, ये देखें ये इसकी सीट है, और यहाँ से जो है ना वो नज़र रखता है सामने रूलर पे, वहाँ रूलर पे कांच लिपटता है, जो मेरी काफ़ी वीडियो मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। ये इसकी मशीन है चूड़ियाँ बनाने की, ये देखें ये चूड़ियाँ बनाने की मशीन है। चले व्यूअर्स, अब काम अल्लाह का करम है स्टार्ट हो चुका है, अब आपसे मुलाकात होती रहेगी, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे जैसे कलर चलेंगे, जो कलर चलेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे हक में चूड़ी के जो काम करते हैं उनके हक में, और तमाम पाकिस्तान के मज़दूरों के हक में दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक बेहतरी करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।